तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहा के बाईस मुतअद्दिद परवाजें मनसूख की गई हैं। कराची से लाहौर पीआईए की परवाज PK306 मनसूख। इसके अलावा कराची से पिशावर फ्लाई जनाह की परवाज 9P865 भी मनसूख की गई है। क्या वजूहात है? अक्सर शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अक्सर आप बताइएगा, रोज हम देख रहे हैं कि परवाजें मनसूख की जाती हैं, इनकी बुनियादी वजह क्या है और इन परवाजों को कब तक बहाल किया जाएगा? बिल्कुल, इनकी बुनियादी वजह जो है वो ये सामने आती है परवाजें मनसूख होने की, कभी कभी हमने कमी होती है या फिर तकनीकी वजूहत के बाद जो परवाज के लोग मनसूख किए जाते हैं, क्योंकि अंदरूनी मुल्क रवाना वाली परवाजें से इनको जरा सी तकनीकी वजूहत के बाद जो उनको मनसूख किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि जो मुसाफिर उनको किसी दूसरे फ्लाइट में एडजस्ट किया जाए, लेकिन ऐसा रोजाना की बुनियाद से वो देखने में नहीं आता। और ये हम देखते हैं कुछ परवाजें जो इसमें ऐसी होनी चाहिए वो रोजाना की बुनियाद से वो मनसूख किया जाती है। जैसे अगर हम बात करें शुरू में कि कराची से लाहौर जाने वाली 5/24 वो भी रोजाना मनसूख की जाती है, शुरू में इस्लामाबाद जाने वाली जो परवाज है या 5/4 वो भी मनसूख होती है, या चाल की 147 जिसे लाहौर रवाना होता वो भी रोजाना की बुनियाद पर वो मनसूख की जाती है। लेकिन लिहाजा अगर हम देख रहे हैं कि कराची से बाहर लोग जाने वाली परवाज है वो मनसूख की गई, जिसमें कराची से दोहा जाने वाली कतर एयरवेज की परवाज QR611 भी मनसूख की गई है। कराची से नजर जाने वाली साहब बगदाद की परवाज IF 334 भी मनसूख की गई, जिसमें जो वो कम से कम जो वो ज्यादा मुसाफिर जो वो 30,000 मुसाफिर जो वो सफर कर रहे होते हैं। कराची पिशावर जाने वाली फ्लाइट जिन्हें की परवाज 9C865 भी मनसूख की गई। इस तरह इस्लामाबाद जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PA200 206 मनसूख की गई, लिहाजा इस्लामाबाद जाने वाली 4 परवाज जो मनसूख की गई। और इसी तरह TIT1 परवाज लाहौर जाने वाली PK306 मनसूख की गई। जी बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद आपका।